अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मछली का स्टू। इसके लिए हमने मछली ली है, ये करीब 1.5 किलो मछली है और इसको ऐसे पीसेस कटवा लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिया है इसको और इसका पानी सारा ये जो है ड्रेन कर दिया है। अब ये एकदम सूखी हुई मछली हुई है। अब लेंगे इसके लिए मसाला। ये मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून जो है ये हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। इन सब मसालों को ये मिक्स कर लेंगे अब हम, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये 1/2 टीस्पून वेनेगर, वाइट वेनेगर, और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अच्छे से अपने हैंड वॉश कर लेंगे और एक एक फिश का पीस उठाएंगे और इसमें ऐसे ये मसाला सारे फिश में कोट कर देंगे। ये किनारे या मसाला नहीं लगाना क्योंकि यहाँ फिसल जाएगा, ये मछली की स्किन बहुत स्लिपी होती है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे ऐसे आगे पीछे दोनों तरफ ऐसे लगा लेंगे, मछली में मसाला कोट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाला इसमें लगा लेंगे और इसको से देंगे। इसी तरीके से हम सारी मछलियों में मसाला लगा लेंगे। अब हमने ये ले लिया है एक पैन, पैन में डाल दिया है 3 चम्मच जो है ऑयल है ये टेबल स्पून। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कोट करके फिश रखी हुई थी, इसको हम एक एक पीस से जितने आ सके उतने पीस इसमें डाल देंगे तलने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर, तो एक तरफ से ये तल गई है, अब हम दूसरी तरफ से इसको पलट लेंगे और इसकी फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। इस तरीके से जो है हम फ्राई कर लेंगे मछली को और अब निकाल लेंगे। दोनों तरफ से ही फ्राई हो गई है, ये सारी मछली फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे पैन से। ये देखिए मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें हमने डाल दिए हैं 100 ग्राम करीब ऑयल। अब इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें लिया है हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च हैं गोल मिर्च, और 2 लौंग, ये इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप करा हुआ प्याज, करीब 1/2 किलो है। इस प्याज को तल लेंगे जब तक ये पिंक ना हो जाए। देखिए ये पिंक प्याज, देखिए ये पिंक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के ये टमाटर हमने बारीक काट लिए थे, इसको इसमें हम डाल देंगे। ये 8 से 10 हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई, ये इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसमें डाल देंगे अब हम 1 चम्मच नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसमें हम ले लेंगे सीटी, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे। कुकर में 3 सीटी लग चुकी हैं और इसकी गैस निकल चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम गैस जला के इसको भून लेंगे। ये देखिए प्याज गल गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है अच्छे से हम भून लेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया काट कर, अच्छे से चलाएंगे इसको। अब इस जो हमने ये फिश तल के रखी हुई थी पहले,
अब हम इसमें इसको डाल देंगे। देखिए इसमें फिश डाल दी है हमने, मछली डाल दी है। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन ढक के इसको रख देंगे ऐसे ही। करीब 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। मछली का स्टू बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा मछली का स्टू बनकर तैयार है, मज़ेदार। आप भी बनाइए और अपने घर वालों को ये बनाकर खिलाइए नई रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।